मैं आज डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के मौत के बाद राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का जो रवैया उनके साथ रहा है, तेजस्वी यादव से लेकर जितने भी बड़े बड़े लीडरान हैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, लालू यादव की रिहाई हो चुकी है, तमाम छोट भैये से लेकर बड़ भैये नेता तक वहां दिल्ली में मौजूद हैं, उसके बावजूद शहाबुद्दीन साहब जैसे नेता जिन्होंने राजद को न सिर्फ जमीन से आसमान बुलंदियों तक पहुंचाने में नुमाया किरदार अदा किया है, बल्कि मरने मरने वक्त तक लालू यादव को अपना लीडर मानता रहा है, ऐसे लीडर के साथ ऐसे आरजेडी के वफादार सिपाही के मौत, वो भी मुश्तबा मौत, जिसको हम जहन से दिल में नहीं उतरता है कि उसकी मौत कैसे हुई है, ऐसे मौत के बाद भी सिर्फ एक ट्वीट आ जाना और उस एक नौजवान लड़का बेबसी के आलम में दिल्ली के डीडीयू अस्पताल के नजदीक यूं ही भटक रहा अपने वालिद के लाश लेने के लिए कि मेरा वालिद का लाश मिल जाए ताकि मैं उनका आखिरी तदफीन सिवान में कर सकूं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजद के कोई भी लीडरान इस पर कोई मुस्बत पहल नहीं किया, इसलिए इससे दिल बर्दाश्ता होकर जब बड़े बड़े लीडरों के साथ ऐसा हो सकता है तो हम जैसे छोटे लीडरों के साथ क्या हो सकता है। इसलिए आज मैं बहुत ही दिल बर्दाश्ता होकर राजद के अल्पसंख्यक नवादा जिला के अल्पसंख्यक कमेटी से ओहदे से इस्तीफा ही नहीं बल्कि राजद के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देता हूं, और आज से राजद मैंने छोड़ दिया है और राजद से मेरा किसी तरह का कोई वास्ता नहीं है। इसलिए कि एक बड़े लीडर के साथ नाइंसाफी हुई है इस मुल्क में और तमाम पार्टी के लोग चुप हैं, मनोज झा जैसे लीडर और बड़े बड़े लीडरान हैं, ये अब्दुल बारी सिद्दीकी, अख्तरुल इस्लाम शाहीन, ये तमाम लीडर जो हैं सारे लोग चुप हैं, इसलिए ऐसे पार्टी में अब रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तमाम ओहदों से मैं अभी जगदानंद सिंह को और खालिद अंसारी साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको मैं इस्तीफा नामा भेज चुका हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।